हेलो फ्रेंड, मैं इंदु। आज यूपी की रसोई में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बनाएंगे व्रत के लिए आलू की सब्जी। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने कढ़ाई रख दी है, गैस चला दिया है। कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम इसमें ऑयल डालेंगे। वैसे तो आप घी में भी बना सकते हैं व्रत में, पर हमें घी नुकसान करता है तो इसलिए हम इसको ऑयल में बना रहे हैं, रिफाइंड में। हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, तेल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसमें कटी हुई मिर्च डालेंगे। जैसे कि अब हमारा तड़का जो है पक गया है, तो अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर बारीक काट लिए थे, 2 मीडियम साइज के टमाटर। तो टमाटर डालते ही हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी गल जाता है। और इसमें हम जो है भुनी हुई धनिया और काली मिर्च थोड़ा सा इसको हमने भून लिया था, और भून के हमने इसको ग्राइंडर में थोड़ा सा क्रश कर लिया था, और 1 चम्मच हम इसको भी डालेंगे इसमें। हम 2 लोग की सब्जी बना रहे हैं तो हम 4 आलू, उबले हुए 4 आलू ही लिए हैं जो है, तो हमने इसको हाथ से फोड़ लिया है। और ये 4 ही आलू है, बड़ी थी थोड़ी मीडियम साइज की से, तो 4 आलू है। और अब हम इसको ऊपर से डाल देंगे, और डाल के इसको ऐसे करके आप थोड़ी देर के लिए इसको धीमी आंच पे छोड़ दीजिए। अभी ये थोड़ी देर में बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा, नीचे का टमाटो बिल्कुल गल जाएगा, फिर बहुत अच्छा सा इसका कलर आएगा। ये हमने 5 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया था, टमाटर डाल के ऊपर से आलू डाल दिया था। अब इसको देखिए जो है, अब ये टमाटर बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है। और हम इसको अब थोड़ा आँच इसकी तेज कर देंगे गैस की, इसको थोड़ा फोड़ देंगे, और फोड़ने के बाद हम इसको अच्छे से आलू में पूरा मसाला मिला लेंगे, मतलब टमाटर का डालेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जितना चाहिए आपको, जितना जूस चाहिए आप। हम इसको कचौड़ी के साथ खाएंगे जो है, और आप को जो है जैसे खाना हो पूड़ी के साथ, कचौड़ी के साथ, या ऐसे ही खाना हो तो आप जो है अपने हिसाब से इसको पानी डाल सकते हो। देखिए अगर आपको कचौड़ी की वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हम इसका लिंक शेयर कर देंगे। जो हमने 1 कटोरी पानी डाल दिया है, अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे। ये काफ़ी अच्छे से पक जाएगा, फिर आप इसका कलर देखिएगा जो है। जैसे कि अब 10 मिनट हो चुका है तो हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं। ये बिल्कुल
परफेक्ट बनके तैयार हुई है जो है। अब इसमें हम थोड़ी सी बारीक कटी हुई धनिया ऊपर से डाल देंगे और बंद कर देंगे इसको, क्योंकि थोड़ा जूस अच्छा लगता है। हम सिंघाड़े के आटे की कचौड़ियाँ भी बनाए हुए हैं तो उसके साथ हम इसको खाएंगे। व्रत का है ये बिल्कुल, देखिए क्या कलर आया है। कभी यकीन मानिए बहुत टेस्टी होती है, कभी आप ट्राई करिए और बनाइए, फिर हमें कमेंट करिए, बहुत टेस्टी लगेगा आपको।